नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। कुछ दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि परिवहन सचिव ने उन लोगों को बहुत सारी सहूलियतें दी थी जो रोड पर ट्रक चलाते हैं, जिनके द्वारा राशन एक राज्य से दूसरे राज्य और एक शहर से दूसरे शहर पहुंचता है। परिवहन सचिव के हवाले से ही आज एक और खबर आ रही है, सड़कों से जुड़ी हुई है, ट्रक चालकों से जुड़ी हुई है। वो खबर क्या है वो हम अमित से जानेंगे। देखिए गरिमा, खबर ये है कि परिवहन सचिव ने ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स की जो डिमांड थी उसको मान ली है करीब करीब, और उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए आदेश जारी किया है। मांग ये थी ट्रक ड्राइवरों की कि वो जो सामान लेकर के बाहर से आते हैं, दूर से लेकर आते हैं, तो रास्ते में उन्हें खाने पीने के लिए ना तो होटल मिलते हैं ना ढाबा मिलता है। लॉकडाउन की वजह से सारा सब कुछ बंद है, तो ऐसे में उन्हें भूखे रह जाना पड़ रहा है। जो वो खाना लेकर चलते हैं तो लंबी दूरी होने की वजह से वो जल्द ख़त्म हो जाता है, और उनको खाने पीने की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। इसी वजह से जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्हें ट्रक चलाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, और यही कारण है कि परमिशन मिलने के बाद भी हाईवे पर न तो ट्रक चल रहे थे ना दूसरे मालवाहक वाहन जो है वो चल रहे थे। ऐसी स्थिति में इस मामले को गंभीरता से लिया गया। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बहुत ही गहनता के साथ इस मामले पर की समीक्षा की, उसकी कार्रवाई की, और अब जो खबर आई है, जो नोटिफिकेशन एक जारी किया गया है, एक आदेश जारी किया गया है, उसके अनुसार कि 20 अप्रैल के बाद जो राज्य में जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, तो इन सब जगहों पर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट जो हाईवे पर हैं वो खुल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन भी लगाया गया है। पहला कंडीशन ये है कि 15 किलोमीटर पर एक ढाबा खुलेगा। दूसरा ये है, ट्रक ड्राइवर्स नहीं होंगे, हाँ उन्हीं लोगों के लिए किया जा रहा है। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो वहाँ पर जो होटल ढाबा ये होगा हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर, उसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा, और जो वहाँ के स्टाफ होंगे वो मास्क लगा के रहेंगे। जो आम दिनों में जो जिस तरह से होटल ढाबा चलते हैं तो उस तरह की अनुमति नहीं होगी। यहाँ पे विशेष सतर्कता बरतनी पड़ेगी कोरोना वायरस को लेकर के, और इस बात का खास ध्यान रखना होगा। साथ ही ये निर्देश दिया गया है कि जो फूड इंस्पेक्टर हैं वो टाइम टाइम पर वहाँ पर उन जगहों पर जाकर के जो ढाबा और रेस्टोरेंट है वहाँ पर जाकर के वो जाँच भी करेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, लोकल लोग उसका कोई फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हैं, इन सब चीज़ों को भी देखना होगा। तो इस बारे में जो है संजय अग्रवाल की तरफ से आज पटना के डीएम और एसएसपी सहित जो राज्य के सभी डीएम और एसपी हैं उन सभी को एक निर्देश जारी कर दिया गया है, इस बारे में कार्रवाई के लिए कहा गया है। और फिर उम्मीद है कि 20 तारीख के आसपास इस मामले में एक नया निर्देश जारी होगा, और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हाईवे पर होटल और जो ढाबा है वो जो बंद पड़े हैं लॉकडाउन की वजह से उन्हें चालू कर दिया जाएगा। तो नेशनल और स्टेट हाईवे पर ढाबा, होटल्स चालू किए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए, जिसके पीछे भी कई सारे नियम कानून बनाए जाएंगे, उसको फॉलो करना होगा। अब देखना ये होगा कि 20 तारीख के बाद क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।